लोकसभा चुनाव 2019 के छठे चरण के मतदान में राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के लोगों ने लोकतंत्र के इस पर्व में उत्साह से भाग लिया। ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह अपने परिवार के साथ खिलचीपुर नगर के मतदान केंद्र 238 पर पहुंचे और मतदान किया। मतदान केंद्र के बाहर ऊर्जा मंत्री ने पत्रकारों से चर्चा में राजगढ़ लोकसभा से कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं कि हम जीतेंगे और आश्चर्य होता है जब भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार का चेहरा छुपा के चुनाव लड़ती है। ये भी एक नई चीज़ देखने को मिली कि उम्मीदवार का चेहरा नहीं दिखाना चाहती भाजपा, लेकिन जनता कांग्रेस को वोट मिले। जनता कांग्रेस क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार है, पिछले 5 साल से यहाँ पर केंद्र सरकार चली है, वो हर मोर्चे पर फेल हो रही है। ना तो आतंकवाद पर अंकुश लगा पाए, ना वो 2 करोड़ नौकरियां दिला पाए हर साल जो उन्होंने वादा किया था, ना वो काले धन पर अंकुश लगा पाए। इतने सारे काम किए और बड़े गाने बने थे कि 500,000 के नोट जमा करा दिए, रे मोदी जी तूने वाट लगा दी। वो वाट में मालूम ये पड़ा कि जनता की वाट लग गई, गरीबों की वाट लग गई, अमीरों के तो बल्ले बल्ले ही हुए। वो आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर वो लड़े थे पिछली बार, उन्होंने कहा था कि वहाँ कांग्रेस की जो सरकार है, यूपीए की सरकार जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली, वो कमज़ोर सरकार है, वो आतंकवाद से नहीं लड़ पाई। मुझे आप दो, मैं 56 इंच की छाती वाला व्यक्ति हूँ और मैं आतंकवाद से लड़के दिखाऊंगा। पर आश्चर्य की बात यह है कि आतंकवादी गतिविधियाँ और आतंकवादी घटनाएँ और हमारे जवानों की शहादत ज़्यादा हुई है मोदी जी के कारण। मतदान के लिए दूल्हे बुजुर्ग युवाओं में बड़ा ही उत्साह देखने को मिला। सुबह से लेकर शाम तक लंबी लंबी कतारें लगी रही। वहीं खिलचीपुर के मतदान क्रमांक 235 में दूल्हा पवन शादी की सारी रस्में छोड़कर वोट डालने पहुंचे। वहीं उन्होंने कहा कि मतदान हमेशा करना चाहिए ताकि हम देश के लिए एक योग्य व्यक्ति को चुन सके। वोट डालने के लिए मतलब मेरी शादी हैगी और बारात जाने वाली है और मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं पहले वोट दे, इसके बाद मेरी शादी। अच्छा अच्छा, क्या संदेश देना चाहोगे आप सभी के लिए? सभी के लिए ये देना चाहता हूँ कि सबका किया कि सभी को पहले वोट देना चाहिए। वहीं मतदान क्रमांक 248 में 107 वर्षीय बुजुर्ग दुलीचंद को व्हीलचेयर से परिजन लेकर आए और उन्होंने मतदान किया। वहीं बूथ क्रमांक 239 पर 102 वर्षीय महिला धापूबाई ने भी वोट डाला। राजगढ़ लोकसभा सीट के सांसद प्रत्याशी रोडमल नागर ने अपने गृह नगर पचोर में मतदान केंद्र क्रमांक 189 पर मतदान किया। निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए एक आम मतदाता की लाइन में लगकर वोट डाला। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार मोना सुस्तानी ने भी वोट डालने के बाद पत्रकारों से चर्चा में अपनी जीत का दावा किया। वहीं एक तरफ खिलचीपुर क्षेत्र के सेमली काकड़ गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। मतदान क्रमांक 249 पर एक मतदान भी नहीं हुआ। रोड नहीं बनने से नाराज ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। मतदान के बहिष्कार की जानकारी मिलने पर कलेक्टर निधि निवेदिता मतदान केंद्र पर पहुंची और ग्रामीणों को रोड बनाने का आश्वासन दिया। खिलचीपुर से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। वोट नहीं डाले हम लोगों ने जब तक रोड नहीं बना तब तक। अच्छा, सुबह से एक भी नहीं गया कोई भी? एक भी नहीं गया, कुछ नहीं, एकता है गाँव में पूरा। अच्छा हाँ, महिलाएं? महिला ने कोई नहीं डाले 18 साल से, पूरा गाँव को एक भी नहीं डाले वोट। अच्छा।